नोबेल अवार्ड फॉर पीस शांति के लिए, इनको 1901 में नोबेल अवार्ड मिला था, किनको मिला? अब सोचो ये क्या काम करती है जो मिल गया। ये जब 3 साल के थे, कितने साल के? 3 साल के। जब 3 साल के थे तो इनकी माता जी अनाथालय जाती थी बराबर, तो टोकरी में कुछ खेलने का सामान, बच्चों के लिए खाने का सामान लेके जा रही थी। तो वह जो बच्चा था 3 साल का, वह ऐसे पकड़ के बोलता है कि माँ हम भी जाएंगे। बोला हम अनाथालय जा रहे हैं। तो बोला अनाथालय कैसा होता है? बोला वहाँ छोटा छोटा बच्चा रहता है। बोला हम भी जाएंगे, हम भी उसको खाना देंगे, हम भी उसको खिलाएंगे। बोला नहीं नहीं तुम छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा ना तब जाना सेवा करने। बस किवाड़ लगा दिया, खिड़की खोल दिया, लेकिन वो देखते रहे और अंतिम तक देखते रहे, जैसे मखदूमा तक जहाँ तक दिख रहा है। और वो जब नहीं दिखने लगे तो फिर जैसे उनकी मम्मी बनाई थी टोकरी, टोकरी में थोड़ा बहुत आलू रख दिया, प्याज रख दिया, सब सामान रख दिया और सोचा हम भी जा रहे हैं जैसे अनाथालय, हम भी सेवा करेंगे, हम बड़ा होंगे तो हम सेवा करेंगे। उसी दिन से उनके मन में वह बीज आ गया सेवा करने का। और एक ऐसा समय आया जो युद्ध का नाम है सोलफेरिनो का युद्ध। सोलफेरिनो के युद्ध में जो है सो वो घायलों की सेवा करने लगते थे और वो ये नहीं समझते थे कि मेरे देश का है या दूसरे देश का। तो 4 डॉक्टर मिल करके और एक या जो है सो हेनरी डुनांट मिल करके, उसमें से एक डॉक्टर का नाम था लुई आपिया, जो फर्स्ट टाइम में रेड क्रॉस धारण की थी। डॉक्टर लिखता है प्लस रेड कलर से, तो उसी का नाम है रेड क्रॉस। यह जो क्रॉस लिखा रहता है वो किस कलर से रहता है? रेड कलर से, तो इसी का नाम दे दिया रेड क्रॉस। तो फर्स्ट टाइम में रेड क्रॉस धारण करने वाली वह जो है किसका नाम था? डॉक्टर लुई आपिया। क्या नाम था उनका? पूछेगा क्वेश्चन कभी भी कि फर्स्ट टाइम में रेड क्रॉस धारण कौन किए थे? डॉक्टर लुई आपिया ने। और उसके बाद धीरे 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 यह एक दिन ऐसा हुआ कि पूरे वर्ल्ड में यह रेड क्रॉस जो सो फैल गया, उनका यूनिट फैल गया। और जब एक दिन युद्ध में अपने दुश्मन को भी जो है सो स्ट्रेचर पर लादने लगे, तो उनके एक साथी बोले इसको छोड़ दो। बोला नहीं, दोस्त है या अपने देश का है या पराए देश का है, अभी तो ये इंसान है ना, अभी तो ये जख्मी हालत में है, अभी तो इसको दर्द होता होगा, तो मेरा काम है कि किसी भी घायल व्यक्ति का सेवा करना। तो वो घायल व्यक्ति को सेवा करते थे और ये नहीं समझते थे कि वो मेरे देश का है कि दूसरे देश का है, ठीक है। और स्ट्रेचर पर लाद के लाते थे, मरहम पट्टी करते थे। और यह नियम था कि जैसो जो जो रेड क्रॉस लिखा हुआ वाहन रहता था, जो जो रेड क्रॉस मेरा करके घायलों की मदद करता था, उस पर गोली नहीं चलाया जाता था, उस पर बम नहीं फेंका जाता था। कोई रेड क्रॉस का अगर प्लेन जा रहा है या कोई सीप जा रहा है तो उस पर अटैक नहीं करता था। कोई रेड क्रॉस धारण करके उस यंग में जंग मैदानी जंग में भी कूद जाता था सेवा करने के लिए, तो उसको नहीं मारता था। तो ये सब नियम बनाया गया। और किसी भी कंट्री में रेड क्रॉस का अध्यक्ष जो होता है वो वहां के राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। और किसी भी स्टेट का जो अध्यक्ष होता है रेड क्रॉस का, वह गवर्नर होता है, महामहिम गवर्नर साहब होते हैं स्टेट के, राज्य के, गांव के। और डिस्ट्रिक्ट में डीएम साहब खुद अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष। तो उसमें फिर कमिटी मेंबर होता है। तो
तो कहने का अर्थ है कि तुम लोग भी जब कुछ बनोगे, डॉक्टर बनोगे या कोई अधिकारी बनोगे, तो सबसे पहले क्या है कि पहले लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अपने मुंह से किसी को गंदा चीज नहीं बोलना है जिससे तकलीफ हो जाए, और क्या है कि सेवा करने की भावना मन में रखना है। और इतना ही नहीं, दुनिया के लोग कहने लगे थे हेनरी दुना को कि सफेद कपड़ों वाले सज्जन, क्योंकि ये सफेद कपड़ा पहनना शुरू कर दिए थे, ये सफेद ही कपड़ा पहनते थे, ऐसे भी सफेद कपड़ा में तो गर्मी कम लगेगी, तो सफेद कपड़ों वाले सज्जन के नाम से इनको जाना जाता था। और लास्ट में नोबेल प्राइज ये डोनेट कर दिए, दान दे दिए, और कुछ दिन तक गुमनाम हो गए। तो कहने का अर्थ है कि सेवा करने का जो यह मानव जीवन समय अनमोल मिला है, इसमें हम लोग पहले कुछ ज्ञान अर्जन कर लें, ज्ञान अर्जित कर लें, कुछ सीख लें, पढ़ लें, लिख लें अच्छा चीज, उसके बाद जब भी जहां मौका मिले अपने क्षमता अनुसार जो है सो एक दूसरे की मदद जरूर करें। और फर्स्ट एड का सामान सभी छात्र अपने अपने पास जरूर रखें, मान लो थोड़ा सा कॉटन रखेंगे, स्प्रिट रखेंगे, डिटॉल रखेंगे, एंटीसेप्टिक क्रीम रखेंगे, हैंडी प्लास्ट रखेंगे, है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा सामान सब रखेंगे, क्योंकि जरूरत पड़ने पर कभी भी किसी को हम लोग मदद कर सके। और मन में ऐसा बनाए अभी से कि बड़ा भी होंगे तो हम लोग सेवा करेंगे, किसी का आंख नहीं है तो आंख बनवा देंगे, अगर हम खुद डॉक्टर हैं तो खुद से आंख जो है बना देंगे, ऐसा भावना रखना पड़ेगा, है ना। तो उससे क्या होगा, फिर तुम यह सोचोगे कि कोई जन्म से अंधार आता है, वो तो बेचारा इस संसार को नहीं देख पाया, तो तुम ऐसा साइंटिस्ट बनो, है ना, कि उसको एक उल्लू का भी आंख तुम दे सकता है तो रात में भी दिख जाएगा, और अगर कोई इंसान है तो एक आंख अगर उसको है तो वो दिन में भी दिख जाएगा, तब फिर इस लाइट का और पोल्यूशन का समस्या का समाधान ही हो जाएगा, और एक रिसर्च हो जाएगा। जब हम लोग जानते हैं कि एनिमल से, जब सब बॉडी में एनिमल से ही है, चाहे वह पक्षी हो कि पशु हो कि मछली हो, सब में एनिमल से ही है, छोटे जीव हो या बड़े जीव हो, तो हम उस सेल में, उस बॉडी में कोई ऐसा खोज लें, रिसर्च कर लें, ताकि कम से कम एक नया पन आए, है ना। तो तुम साइंटिस्ट बनेगा तो तुमको भी एक दिन इनके तरह नोबेल मिलेगा। हमेशा टारगेट रखना चाहिए कि हम एक अच्छा साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बनके भी साइंटिस्ट बनता है, ठीक है। तो अब हम चाहेंगे हमारे निपुण सर है जो कि आध्यात्मिक भी है, वैज्ञानिक भी है, और इस विषय पर ये संदेश देंगे तुम लोग को, देखना। तो आया जाए सर और हमारे छात्रों को कुछ आप बताएं कि हेनरी दुना एक तरह कम से कम हमारे छात्र बने और कुछ देश में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, विश्व में कुछ नाम कमाए। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों, आज विश्व रेड क्रॉस दिवस के उपलक्ष्य में सम्मानीय श्री प्रवीण कुमार प्रणव जी के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, एसकेपी विद्या विहार के छात्रों के सामने, जिनको इस विषय पर जुड़ने का आज मौका मिला। हमें किसी भी छोटे छोटे बात और बड़े बड़े बात, छोटी छोटी बातें बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं जीवन में। जैसे महोदय ने बताया कि इस संस्था के संस्थापन में महोदय हेनरी दुना का योगदान सबसे अग्रणी रहा है, तो वैसे उनके जीवन में एक पहले छोटा सा काम था, वो काम क्या था, उनके जीवन में यह प्रेरणा कैसे मिली, ये स्वाभाविक है, मनुष्य के जीवन में मानवता सबसे बड़ी होती है। तो मानवता का क्या है कि जब कोई मुसीबत में हो, कोई परेशानी में हो, या कोई भी जीव जंतु हो, वह जब परेशान होते हैं उनको सहायता करना या सेवा करना है। शास्त्रों में भी सेवा परमो धर्म, सेवा को
सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। हम भगवान की पूजा करते हैं, वो हम आत्मबल प्राप्त करते हैं। क्यों करते हैं? इस जगत की सेवा करने की, इससे जगत का कल्याण होता है और आपका भी होता है। इसी तरह मानव धर्म से, मानव सेवा से प्रेरित होकर, और यह प्रेरणा उनको बचपन से ही मिला। हम कुछ भी करते हैं जीवन में तो हमें बचपन से जो प्रेरणा मिलती है, बचपन में आपके मस्तिष्क में जो विचार आते हैं वही आगे चलकर प्रस्फुटित होता है, आप वही करते हैं। इसी प्रकार का विचार इनके मन में आया कि हमें लोगों की सेवा करनी है। कैसे करनी है? कई तरह से आप कर सकते हैं। इन्होंने क्या अपनाया रास्ता कि जो घायल हुए, उस समय कोई युद्ध हुआ था, उस युद्ध में जो घायल हुए उनकी उन्होंने, और इसको करने के लिए अकेले तो नहीं कर सकते, इन्होंने एक संस्था बनाया, लोगों को सम्मिलित किया कि जो लोग पीड़ित है उनकी सेवा की जाए, उनको हेल्प किया जाए। यह संस्था पूरे विश्व के 150 लगभग देशों में इसकी संस्थान है, और हमारे भारतवर्ष में भी लगभग 1100 यूनिट्स अभी उपलब्ध है, काम कर रहे हैं। इनका काम है लोगों की सेवा करना। हमें भी अपने जीवन में इस सूत्र को धारण करना चाहिए, सेवा सूत्र, और इसके लिए यह बहुत अच्छा मंच है। ऐसे तो बहुत सारे मंच है, लेकिन ये रेड क्रॉस जो मेडिकल से जुड़ा हुआ चिन्ह है, ये हमें निर्देश करता है उनके शारीरिक पीड़ा को दूर करना। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है कोई शारीरिक रूप से पीड़ित है उनको सहायता करना, क्योंकि शरीर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है किसी भी जीव का, और खास करके हम जब मनुष्य, कोई भी मानो किसी का पैर में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, देखते हो पैर अगर मेरा नहीं हो क्या काम कर सकते, हम चल भी नहीं सकते, या मेरा हाथ में कोई, और जब कोई घायल होता है उसको तुरंत ही शीघ्र ही सहायता की जरूरत होती है, तो ये संस्था उन्हें तुरंत ही सहायता प्रदान करती है। हम आगे चलकर चाहे आप जिस भी क्षेत्र में रहे, तो मुख्य बात है कि मानव सेवा और जीव की सेवा अपने अंदर या प्रेरणा लाएं, हमें ये करना है, और ऐसे ऐसे संस्थानों में अपना सहयोग दें। और आगे चलकर आप जितना सेवा भाव रखेंगे, करुणा भाव रखेंगे, दया भाव रखेंगे, आपको उतनी शांति, और आपको इसको कहते हैं हम लोग आत्मसंतुष्टि तभी मिलता है जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं। अपने लिए करना मतलब नहीं होता, जब हम दूसरों के लिए करते हैं, यह भावना हमें यह रेड क्रॉस सोसाइटी देती है। आज रेड क्रॉस सोसाइटी दिवस के उपलक्ष्य पर हम ये अपने जीवन में धारण करने की प्रेरणा लें। धन्यवाद। बहुत खुशी की बात है कि आज प्रवीण सर के द्वारा जो यहाँ पर किया गया है और बुलाया गया है, मुझे जानकारी नहीं थी, अभी बोले कि चलिए वहाँ पर कुछ प्रोग्राम हो रहा है। तो ये जो विश्व जो किया हुआ आज विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर जो लोग एकत्रित यहाँ पर हुए हैं, तो हम लोग को जो है जानना चाहिए कि यह क्या है विश्व रेड क्रॉस दिवस। ये जो यहाँ पर दिया हुआ हेनरी डुनान, जिनका जन्म 8/5/1828 हुआ था और निधन 30/10/1910 हुआ, और उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1901 में। तो ये उन्होंने जो किया इसके बारे में प्रवीण सर ने बताया, मुकुंद वॉय बताया। तो कहने का मतलब है कि हम लोगों के मन में सेवा की भावना होनी चाहिए। कहा भी गया है कि परोपकार से काम भी होती है, परोपकार से जन्म की भी होती है, और मानव पूजाई मानव सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी पूजा होती है कि हम जो है किसी बीमार व्यक्ति के लिए सेवा कर सकें, जो पीड़ित है, या समाज में जो मतलब चाहे शैक्षणिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, जो पिछड़े हुए हैं हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। तो वही सबसे बड़ी जो है स्पिरिचुअल पूजा होगी, और बचपन से ही और स्पिरिचुअल लाइफ से ही
परोपकार की भावना हमें रहना चाहिए ताकि हम किसी को मदद कर सके, किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना नहीं होनी चाहिए, जो है आत्मचरण की भावना नहीं होनी चाहिए। ये सब बहुत आध्यात्मिक चीज है, इस पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए ताकि जो है हमारा देश आगे बढ़ सके। इतना ही। जैसे कभी भी जीके में क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या कहोगे? इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। इनका जन्म किस ईस्वी में हुआ था? इनको नोबेल प्राइज कब मिला था? और फर्स्ट रेड क्रॉस धारण कौन किया था? डॉक्टर लुई आबिया। डॉक्टर लुई आबिया।